किसी को सिगरेट पीने की हाजत है या किसी को नस्वार की तलब है, तो इसके लिए अगरचे बेहतर है कि रमज़ानुल मुबारक में कम से कम जब एहतिकाफ में आदमी बैठा हुआ है तो इन चीज़ों को बिल्कुल ये तर्क कर दे, सिगरेट को तर्क कर दे, नस्वार को तर्क कर दे, और भी कोई अगर इस किस्म की लायानी चीज़ का गुटके शुटके का इस्तेमाल करता है तो उसको भी तर्क कर देना चाहिए। और अगर किसी को हाजत और ज़रूरत है तो सिर्फ इसके लिए अगर मस्जिद से बाहर निकलेगा कि वह सिगरेट पीनी है या नस्वार लगाना है तो फिर उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। इसका हल ये है कि आदमी कज़ाए हाजत के लिए जाए और उसी दौरान जो है वो सिगरेट का इस्तेमाल कर ले और उसी दौरान नस्वार का इस्तेमाल कर ले या कोई और चीज़ जो खाना चाह रहा है गुटखा वगैरह तो वो भी उसी दौरान इस्तेमाल कर ले तो कोई हर्ज नहीं होगा। सिर्फ इन्हीं के इरादे से अगर मस्जिद से निकलेगा तो उसका एहतिकाफ फासिद हो जाएगा, एहतिकाफ उसका टूट जाएगा।